दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, जुलाई के मंथ में बहुत सारे अनहोनी घटना घट चुका है, तो उसका ही एक हिस्सा है हमारा सैमसंग गैलेक्सी A22। और ये जो फोन है, ये A सीरीज की तरफ से पहली 5G फोन है। वीडियो थोड़ी लेट आ रहा है, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि हम आपके लिए टेक न्यूज देने का प्लान कर रहे थे, तो और दे भी डाला। इस कार्ड में दे रहा हूँ, आप जाके इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो वो वीडियो। एकदम गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा न्यूज़ आपके लिए रेगुलरली लेके आऊँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके देख लेते हैं इस गैलेक्सी A22 में क्या क्या खूबियाँ है। दोस्तों, इसके लुक्स और डिज़ाइंस के बारे में बात करूं तो देखने में ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। दूर से अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये ग्लास बैक लगेगा, लेकिन ये ग्लास बैक नहीं है, पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो है फ्रॉस्टेड ग्लास डिज़ाइन, तो उसकी वजह से देखने में ये बिल्कुल ग्लास की तरह लगता है और देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। ये फ़ोन थोड़ा टॉल और हेवी है, इसका वेट लगभग 200 ग्राम्स के आसपास है। दोस्तों, पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूँ तो नीचे के साइड में आपको USB टाइप सी, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन और 3.5mm जैक देखने के लिए मिलता है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलता है, जो ट्रिपल कार्ड का स्लॉट है, इस मतलब आप इसमें दो सिम और एक SD कार्ड यूज़ कर पाओगे। ऊपर के साइड पे है नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन, और राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर, अप एंड डाउन की और पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इसमें तीन कलर ऑप्शंस देखने को मिलेगा, एक तो है ये मिंट, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और उसके अलावा दो है, जो है एक ग्रे और एक वायोलेट। इसमें आपको बड़ी डिस्प्ले 6.6 इंच का FHD प्लस विथ 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, पर इंटरेस्टिंगली इसमें सुपर एमोलेड भी नहीं है और IPS LCD भी नहीं है, इसमें आपको TFT डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। सैमसंग के फ़ोन मतलब हमारे मन में पहले ही सुपर एमोलेड आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, इसमें TFT डिस्प्ले है, पर डिस्प्ले उतना भी ख़राब नहीं है। इसके बेजल्स वगैरह बहुत ही पतली है और इसका जो चिन है वो थोड़ा सा मोटा है। ऊपर आपको वी नॉच का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 700 5G चिपसेट देखने के लिए मिलता है, जो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चिपसेट है। इसके दो वेरिएंट अवेलेबल है, 6GB रैम 128GB रोम एंड 8GB रैम 128GB रोम। रैम और स्टोरेज टाइप के बारे में बात करूं तो इसमें आपको LPDDR4X रैम और EMMC स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। हाँ, इसमें UFS स्टोरेज नहीं है। बैटरी के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 5000 mAh का बड़ी बैटरी विथ 15 वाट का फास्ट चार्जर के साथ देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इसमें जो Dimensity 700 चिपसेट है वो बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का चिपसेट है, तो डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम स्मूथ चलेगा आपका फ़ोन। और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो लो टू मीडियम सेटिंग्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और बड़ी बैटरी की वजह से आप अगर लॉन्ग सेशंस भी खेलोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। OS के बारे में बात करूं तो इसमें आपको One UI 3.1 बेस्ड ऑन Android 11 देखने के लिए मिलता है, और सिक्योरिटी के बारे में ये One UI बहुत ही अच्छा है, मतलब मैं पर्सनली ये One UI को बहुत ही पसंद करता हूँ सिक्योरिटी के मामले में। पर कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आता है, वो आप चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो सभी सेंसर्स देखने के लिए मिलता है, जैसे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो 11 बैंड्स के साथ साथ 5G तो मिलती ही है, उसके साथ 12 4G वॉल्टी, डुअल बैंड वाईफाई, वाईफाई कॉलिंग एंड ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। कैमरा के बारे में बात करूँ तो बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। सेल्फी में आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। मेगापिक्सल कोई भी फर्क नहीं पड़ता फोटोज़ में, पर फोटोज़ इसका अच्छा है, ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस अच्छा होगा। दोस्तों, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है। डिस्प्ले में आपको TFT पैनल मिलता है, लेकिन फिर भी इसका जो व्यूइंग एंगल्स है और कलर्स वगैरह है वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब
अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं ये एक TFT डिस्प्ले है। और इसका जो साउंड के लिए मोनो स्पीकर्स है वो भी बहुत ही लाउड है, मतलब ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लूँ तो वाइड वाइन 11 का सपोर्ट है, मतलब सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आप HD में स्ट्रीम कर पाओगे। कैमरा 2 API का सपोर्ट है, मतलब आप गूगल कैम का जो पोर्ट है वो यूज़ कर पाओगे। FM रेडियो भी है पर नोटिफिकेशन लाइट इसमें नहीं है। दोस्तों ये जो फ़ोन है वो A सीरीज़ की तरफ से पहली 5G फ़ोन है और 11 बैंड्स के साथ भी ये फ़ोन आता है, तो इसका मतलब ये एक फ्यूचर रेडी स्मार्टफोन है। तो अगर आप देखोगे इसकी सारे स्पेक्स को और इसकी प्राइस के पास भी देखोगे तो फ़ोन ओवरऑल ठीक ही है। ये जो A सीरीज़ के फ़ोन्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑफलाइन सेंट्रिक होता है, तो अगर आप एक सैमसंग लवर हो और आपको 5G भी चाहिए तो आप इस फ़ोन के पास ऑब्वियसली देख सकते हो। तो फिर दोस्तों दैट्स इट, यही सब कुछ है इस सैमसंग गैलेक्सी A22 में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।